Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 5 from exercise 2.1, page number 32 from NCERT. It says, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. हमें polynomials given है. हमें बताने मुझे कौन सा linear है, कौन सा cubic और कौन सा quadratic. सबसे पहले linear polynomials. Linear polynomials वो होते हैं which is in the form of ax plus b. That means जिनके पास highest power 1 हो. जिनकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलीनोमियल्स होगी. डिग्री 1. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होते हैं जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जिनके पास डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 हो. थर्ड इज क्यूबिक पॉलीनोमियल्स. क्यूबिक पॉलीनोमियल जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी. जिनके पास हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर इज 3, दैट मीन्स डिग्री इनके पास 3. अब हमें इन्हें क्लासिफाई करना है. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर इज 2. दैट मीन्स अगर डिग्री 2 है तो ये पॉलीनोमियल हमारा होगा वो 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. 2 डिग्री वाला इज क्वाड्रेटिक. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक polynomial. X minus x cube. X minus x cube यहाँ पर highest power 3 है. So इसे हम कहेंगे cubic polynomial. Third part is y plus y square plus 4. Y plus y square plus 4. यहाँ पर आपके पास highest power 2 है. That means degree is 2. So this is a quadratic polynomial. Number 4 is 1 plus x. यहाँ पर हमारे पास highest power 1 है. So highest power 1 का meaning हुआ it is a linear polynomial. So degree 1 है, that means it's a linear polynomial. Then 3t. Part number 5 is 3t. Highest power is 1. So उस केस में ये हुआ linear polynomial. यहाँ पर हम सिर्फ डिग्री को देखकर क्लासिफाई करते हैं. जो हम कहते हैं लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो हम उसकी सिर्फ डिग्री हाईएस्ट पावर को देखकर बताते हैं. नेक्स्ट इज आर स्क्वायर. हाईएस्ट पावर इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. नेक्स्ट पार्ट इज 7x क्यूब. हाईएस्ट पावर इज 3, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल बिकॉज डिग्री 3 है. This was the question from exercise 2.1, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.